ये हमारे पास जो है ब्रेन स्टेम का मॉडल है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो आपको ऊपर नज़र आ रही है, ये है डाइनसेफेलॉन, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है, ये है मिड ब्रेन, और ये जो है पोन्स, उसके नीचे जो है ये मेडुला। ये हम इंटीरियर व्यू देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है हम मिड ब्रेन को देख लेते हैं, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्रस्ट सेरिब्राय कहते हैं, ठीक है। ये राइट साइड का क्रस्ट सेरिब्राय, ठीक है। इसी तरह जो है लेफ्ट साइड पर भी एक क्रस्ट सेरिब्राय होगा, ठीक है। इनके दरमियान जो है एक फोजा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं इंटरपुडेंकुलर फोजा। ये दिखाई दे रहा है इंटरपुडेंकुलर फोजा, क्रस्ट सेरिब्राय, और ये इंटरपुडेंकुलर फोजा। उसके बाद ये जो है पोन्स हो गया, ठीक है, और ये जो है मेडुला हो गया। अच्छा, अब जो है एंटीरियरली जो है हम नर्व्स देख लेते हैं। ये जो नर्व दिखाई दे रही है आपको, ये है थर्ड क्रीनियल नर्व, ठीक है। ये जो है फिफ्थ क्रीनियल नर्व हो गई, एब्ड्यूसेंट नर्व मतलब सिक्स क्रीनियल नर्व, सेवन क्रीनियल नर्व, एट क्रीनियल नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेडुला है, ठीक है। मेडुला में ये जो है पायरामिड है, ठीक है, और ये जो है ओलिव हो गया। पायरामिड और ओलिव के बीच में से जो है हाइपोग्लोसल नर्व, ट्वेल्थ क्रीनियल नर्व निकल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें, यहाँ से जो है आपको ये हमारे पास पैरामिड है, ये ओलिव है, और पीछे जो है ये है इंटीरियर सेरिब्रल पुडंकल, ठीक है। पैरामिड और ओलिव के दरमियान से जो है ट्वेल्थ क्रीनियल नर्व निकल रही है। ओलिव और इंटीरियर सेरिब्रल पुडंकल के दरमियान से जो है ये जो उभरा हुआ पोर्शन है छोटा सा, ठीक है, ये है नाइन्थ क्रीनियल नर्व अराइज हो रही है, और उसके नीचे ये जो है ये पोर्शन, ये टेंथ क्रीनियल नर्व का है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये हमारे पास 11th क्रीनियल नर्व अराइज हो रही है। उसके बाद ये हमारे पास ब्रेन स्टेम का पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये है मिड ब्रेन का पोर्शन, ठीक है, ये पोन्स का पोर्शन हो गया, और इसके नीचे ये जो है मेडुला का पोर्शन हो गया। ये जो है, ये है सुपीरियर कॉलिकुलस, और ये जो है इन्फीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। ये कॉलिकुलाई ऑफ मिड ब्रेन को कलेक्टिवली हम कॉर्पोरा कॉर्डजिम्ना कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है फोर्थ क्रीनियल नर्व अराइजेस फ्रॉम द बैक ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है आपके पास है, ये जो है मीडियन सल्कस हो गया, ठीक है। और फिर उस मीडियन सल्कस, ये जो है मीडियन सल्कस हो गया ये पोर्शन, ठीक है। ये जो है सल्कस लिमिटेंस हो गया, ये मीडियन सल्कस और सल्कस लिमिटेंस के बीच में जो है ये है मीडियन इमिनेंस, ठीक है। मीडियन इमिनेंस का जो लोअर पार्ट है, यहाँ पर मौजूद है फेशियल कॉलिकुलस, ठीक है। सल्कस लिमिटेंस के ऊपर जो है एक उभरा हुआ पोर्शन है, ये है सब्सटेंशिया फेरुजीनिया, ठीक है। और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये है वेस्टिबुलर एरिया ऑफ द पोन्स, ठीक है। और ये जो है मेडुला है, मेडुला पर ये जो है इसको, ये जो उभरा हुआ पोर्शन है मीडियल साइड पर, इसको कहते हैं ग्रेसाइल ट्यूबरकल, ठीक है। और लेटरली जो है वो है क्यूनियर ट्यूबरकल। इसके अलावा ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये है मिडल सेरिब्रल पुडंकल। इसके बाद इंटरनल व्यू देख लेते हैं ब्रेन स्टेम का। ये जो दिखाई दे रहा है, ये है ऑप्टिक कियाज़मा, ठीक है। ये जो है एंटीरियर कमिशर हो गया ये, ठीक है। ये फॉर्निक्स, ठीक है। ये है कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। इसके अलावा ये पीनियल बॉडी है, ये जो है पोस्टीरियर कमिशर हो गया, ठीक है। पोस्टीरियर कमिशर, ये पीनियल बॉडी, ये पोस्टीरियर कमिशर, और ये जो जा रहा है ये है हैबिनुलर कमिशर। हैबिनुलर कमिशर कंटिन्यू एज स्ट्रिया मेडुलैरिस, ठीक है। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको थैलेमस कहते हैं, ठीक है। ये जो है उभरा हुआ पोर्शन, प्रोमिनेंस जो है, इसको जो है इंटरथैलेमिक एडिशन कहते हैं। और ये जो है, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है, ठीक है।
ये आपको मैमिलरी बॉडी दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, ये पोर्शन जो है ये है थर्ड वेंट्रिकल का, ये कंटिन्यू हो रहा है एज अ सेरिब्रल एक्वेडक्ट इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल।